जिस राज्य से कांग्रेस के अध्यक्ष और पूर्व अध्यक्ष जीत के आते हैं उसी राज्य में कांग्रेस की हालत सबसे ज्यादा खराब है। यूपी जैसे राज्य में जहां लोकसभा की 80 सीटें हैं, वहीं कांग्रेस सबसे कमजोर नजर आ रही है। राष्ट्रीय पार्टी होने के बावजूद लंबे अरसे से इस राज्य में कांग्रेस क्षेत्रीय पार्टियों सपा बसपा को टक्कर नहीं दे पाई, तो वहीं दूसरी तरफ सबसे बड़ी राष्ट्रीय पार्टी बीजेपी ने इन दोनों ही दलों को 2017 के चुनाव में धूल चटा दी। 80 सीटों वाले यूपी में महज 2 सीटों पर सिमटी कांग्रेस 2019 के चुनाव में कोई चमत्कार करेगी, इस पर भी संदेह है, क्योंकि एक कहावत है कि कमजोर को हर कोई सताता है, तो वही कमजोरी फिलहाल यूपी में कांग्रेस का है, जिसे क्षेत्रीय पार्टियां कोई भाव ही नहीं दे रही। यहां तक कि राहुल गांधी के दोस्त अखिलेश यादव भी कह चुके हैं कि सपा बसपा और अजित की आरएलडी से जो बचेगा वही कांग्रेस को मिलेगा। ये बयान देकर सपा ने कांग्रेस को बता दिया कि यूपी में उसका कद आरएलडी से भी छोटा है। वहीं आरएलडी जिसके अध्यक्ष अजीत सिंह हैं, खुद अपनी सीट नहीं बचा पाए। 2014 में 2 सीट रायबरेली और अमेठी, जबकि 2017 के विधानसभा चुनाव में 403 में से सिर्फ 7 सीट जीतकर यूपी में फेल हुई कांग्रेस को अब हर कोई किनारे कर रहा है। मोदी लहर को टक्कर देने के लिए एक साथ आए सपा बसपा और आरएलडी की तिकड़ी में कांग्रेस को अगर आना है तो उसे चौथे नंबर पर ही रहना होगा और इन तीनों दलों से बची कुची सीटों पर ही संतोष करना होगा, क्योंकि 80 में से कम 40 सीटों पर मायावती दावेदारी तो ठोकेंगी ही, जिसका वो पहले ही संकेत दे चुकी हैं। उधर अखिलेश भी कह चुके हैं कि गठबंधन के लिए वो झुकने को तैयार है। वो कितना भी झुकेंगे तो कम से कम 30 सीटों की दावेदारी तो कर ही सकते हैं। बाकी बची 10 सीटें आरएलडी और कांग्रेस के खाते में जा सकती हैं। उसमें भी कैराना सीट से गदगद अजीत सिंह कम से कम 4 सीटें तो मांग ही सकते हैं, तो बाकी बची 6 सीटों से कांग्रेस को समझौता करना पड़ सकता है। यूपी में अपनी हालत देखकर कांग्रेस ज्यादा की उम्मीद भी नहीं कर सकती है, तो ऐसे में कांग्रेस के पास 2 ही विकल्प हो सकते हैं, या तो वो अकेले दम पर चुनाव लड़े जिससे कार्यकर्ताओं में भी जोश आएगा, नहीं तो संभावित 6 सीटों पर ही संतोष कर ले। वैसे ये 80 सीटें जब संभावित गठबंधन के चारों दलों को बटेंगी तो उसमें भी मनपसंद सीट को लेकर घमासान होना तय है। तो 2019 के चुनाव में अब कुछ ही महीने बचे हैं, ऐसे में मोदी लहर को मात देने के लिए इस संभावित गठबंधन के दलों को कम से कम सीटों के झगड़े को समय रहते सुलझाना होगा।